नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। यह वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हाल ही के अंदर का एक बयान है, यहाँ पर आप देखें, इस कार्यकाल में शिक्षा मित्रों के समायोजन के कोई आसार नहीं। क्या ये कोई आधिकारिक या फिर सरकार के प्रतिनिधि का बयान है या फिर खबर कुछ और है? जो कुछ भी वास्तविकताएँ हैं, जो कुछ भी खबर है, प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आगे आप सभी को साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट। विक्रम सिंह अभी आएंगे, हमारे साथ शिवकुमार शुक्ला जी भी हैं। शिवकुमार शुक्ला जी लगातार लखनऊ हैं, आप क्या क्या नई गतिविधियां कर रहे हैं? शिक्षा मित्र सब परेशान हैं, शिक्षा मित्र चाह रहे हैं कुछ एक अच्छी खबर आए। विधानसभा भी चल रही है, लोकसभा भी चल रही है, कई पूर्व विपक्षी विधायक सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सवाल के बाद भी सरकार कुछ जवाब देने की मनसा दिख रही है? माइक खोलिए शुक्ला जी, माइक बंद है, माइक खोलो जरा। प्रणाम प्रणाम जी, नमस्कार जी। विक्रम जी अभी बोल रहे थे, सर मैं अनवरत इधर 6 तारीख को बैठक किया हूँ, 7 को लोगों से मिला हूँ। आज भी मेरा प्रयास था, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई है, माननीय जयपाल जी व्यस्त जी से भी मुलाकात हुई है, कई पत्र हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए भिजवाया है और हमारा प्रयास निरंतर जारी है। उधर सदन में अभी जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में जो माननीय मंत्री जी ने कहा वो आपने सुना ही, उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा कोई व्यवस्था नहीं है और हमें भी लगता है कि अनुपूरक आना था, अब आएगा नहीं, अध्यादेशों का दौर चल रहा है और अध्यादेश ला रहे हैं और उसी में सदन जाने वाला है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्रयास करेंगे सदन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आप सबकी वार्ता कराएंगे और इसमें सकारात्मक पहल निकाला जाए, कोई रास्ता क्या हो सकता है, हमारी उनकी वार्ता भी हुई है। तो सदन को जा रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है सदन समाप्त होने दीजिए, हम लोग बैठ के बात करेंगे। तमाम माननीय विधायक विपक्ष के और तमाम 2-3-4 ऐसे लोग मिले हमें जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय जयपाल जी मस्त, बरेली स्नातक खंड व्यस्त जी, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड के मिलसी हैं और ऊर्जा समिति के सभापति हैं जी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया है मिलने के लिए भी और उन्होंने सवाल भी लगाया और सूचनाएं भी मांगी है कि इनके संबंध में क्या क्या किया गया और क्या किया जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं, आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी जो सीतापुर मिश्रिक के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने आज हमारे प्रकरण को लेकर संविदा कर्मचारियों के सभी लोगों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को हमसे पत्र लिखवाया और मेरे पत्र के साथ उन्होंने अपना पत्र संलग्न करके ईमेल कराया गया है और उनसे भी समय लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं खुद साथ चलूंगा और बात करूंगा। तो इस प्रकार से मेरा जो अपना प्रयास है ये भी चल रहा है और साथ साथ हम उधर कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय करेंगे और धीरे धीरे हम कार्यक्रम की तरफ भी बढ़ेंगे और उसमें मेरा मानना है कि भाई अनुदेशक साथी भाई, उसमें हमारे रसोइयां, आंगनबाड़ी, मतलब जो भी हमारे तमाम जो संविदा वर्कर्स हैं, इंटेंडेंट टीचर हैं, विकलांग टीचर हैं, सबको जोड़ करके एक बड़े समूह के कार्यक्रम करूंगा। उस कार्यक्रम का शक्ल कुछ भी हो सकता है, आंदोलन के रूप में भी हो सकता है और रैली के रूप में भी हो सकता है, ये व्यवस्था होगी सरकार के ऊपर। बाकी हम फिलहाल 5 सितंबर के फिलहाल 5 सितंबर के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। 5 सितंबर का कार्यक्रम अभी सर 2-3-4 दिन से लगातार मैं यहीं फंसा हूँ तो आप उस पर बैठ के डेट जारी नहीं हो पाई है। हमको पूरा कार्यक्रम बनाना है कि अगस्त में हमें क्या करना है, सितंबर में 5 सितंबर को क्या करना है और फिर बड़े कार्यक्रम के लिए क्या तय करना है, तो इन सारी चीजों पर सारे लोगों से बैठकर बात करूंगा। अभी भाई इनको विक्रम जी को भी मैं लखनऊ बुलाऊंगा, शुक्ला जी को भी बुलाऊंगा, राजीव जी को भी बुलाऊंगा और तमाम जो साथी हैं। मैं चाहूंगा कि जितने समूह में जितने लोग काम कर रहे हैं फ्रंट पे आकर के, वो सब लोग आकर के एक मोर्चे के साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी बने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करें, तो ये हमारा उद्देश्य है और
सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता भी नहीं बंद करना है, इनसे यहाँ भी मैंने बात किया है, और आने वाले समय में जब चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है तो हमें माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना हमारा नितांत आवश्यक है। मैं अपनी नहीं, बात मैं भी लगा हूं प्रयास में। अभी भारत सरकार मैंने में भी खुद कल रखना भी चाहता हूं, और उन जिम्मेदार लोग जी मुझे आपका आशीर्वाद तो प्राप्त ही है, मैं बाईपास भी देख रहा हूं और आपका तो पूरा आशीर्वाद है भी, और यद्यपि मैं दिल्ली आया तो बगैर आपके तो वार्ता में मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो पूरी ये रहेगा कि आप चलेंगे और जो भी होगा तो मैं, चूंकि जो एक टॉक्स दिया गया है अभी माननीय सांसदों की बैठक चल रही है और उसमें भारत सरकार के हमारे जिम्मेदार लोगों द्वारा ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के दो तीन ज्वलंत मुद्दे लाइए जिनको निस्तारण करने पर हमारा वोट बैंक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें कितना लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, कितने लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, वो कितना सेंसिटिव होंगे, कितना एक्टिव रहेंगे, ये सब चीजों पर हमें विचार करना है और विचार करके हमें इस कदम को आगे बढ़ाना है। मिश्रा जी, नहीं इसी बिल्कुल प्रयास में मैं निरंतर तारीख से अब तक लगा हूं और आज भी हमारी कई बैठकें हुई हैं, दो तीन लोगों, चार लोगों से, जिम्मेदार लोगों से मिला हूं, और फिर आगे दो तीन दिन में हम कई लोगों से मिलने का प्रयास भी करेंगे। जी, मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, शिवकुमार शुक्ला लगातार अपनी आवाज लखनऊ में रहकर उठा रहे हैं और लगातार अपनी बातचीत कर रहे हैं, 5 सितंबर की तैयारी में जुटे हुए हैं, और उम्मीद है कि मुझे भी जल्द से प्रधानमंत्री जी का मौका मिल सकता है। और जो अभी शिवकुमार जी ने कहा वो एक गंभीर बात है कि भाजपा वोटरों को लेकर कुछ गंभीर चर्चा करनी चाहती है, लेकिन पहले उसे पता लगे उससे बेनिफिट क्या है। सरकारें हमेशा वही काम करती हैं जब उन्हें लगता है कि इस वोट बैंक को हम ये काम कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। मैं ये बार बार सबसे अपील कर रहा हूं कि एक बार आप संख्या बल दिखा दीजिए। शिवकुमार शुक्ला के साथ और विक्रम सिंह के पास फोन आएगा कि आइए हम आपका निस्तारण करने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी 800 लोग लाए हैं, अगर 800 लोग कल 10-10 लोगों से संपर्क करेंगे 10,000 लोग होंगे, और 10,000 लोग, सिर्फ 10,000 की संख्या को मल्टीपल कर दीजिए, 1 लाख लोग जिस दिन इकट्ठे हो गए उसी दिन सबकी बात सुन ली जाएगी। सरकार दबाव में है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वोटरों की जरूरत है, और वोटरों की उन्हें तब जरूरत होती है जब वो एक सट्टा चाहते हैं कि 80 की 80 लोकसभा हम जीते। विक्रम सिंह, ऐसे में सभी लोगों को एक होने की बहुत आवश्यक है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़े भाई शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। बिल्कुल जरूरत है सर, प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को और सभी कर्मचारियों को एक मंच पे आने की जरूरत है और अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मोदी जी को हैट्रिक मारना है। तो हमें लगता है ये सरकार जितना अंदर से, क्योंकि काफी अनुभव है, जितना अंदर से मजबूत दिखती है उतना कमजोर भी होती है, और कोई भी पार्टी सत्ता ना जाए इसके फिराक में रहती है, और सत्ता कैसे प्राप्त हो इसके बारे में रणनीति तैयार करती है। तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश तो आप जानते होंगे कि दिल्ली की कुर्सी जो है उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, और यदि उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना है तो संविदा कर्मियों को साथ लेना होगा। शिक्षा मित्र हैं, ग्राम प्रहरी हैं, अनुदेशक हैं, आशा आंगनबाड़ी हैं, ये रसोईया है, इन सबको सरकार को साथ लेना पड़ेगा तभी। और आपने देखा होगा जब 2017 में जो 2003 अप्रैल 2016 की जो रैली थी देश के गृह मंत्री जी की और इस समय के रक्षा मंत्री जी की, उस रैली में देखा होगा आपने समस्त संविदा कर्मी को एक मंच पे इन्होंने लाया था, और उसी का देन था कि 47 सीट जीतने वाली 2012 में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से नीचे थी, 47 सीट था, और वो पार्टी 325 तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं उसका